शांति। आज राजयोग मेडिटेशन का चौथा दिन है। बाकी तीन दिन में हमने आत्मा के विषय में जाना और आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा के विषय में भी जाना, और हमने ये भी जाना था कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है, कैसे वो तीन देवता के माध्यम से सृष्टि का पालना का और विनाश का कार्य करता है। आज हम जिस विषय को लेकर आलोचना करेंगे या विस्तार से समझेंगे वो विषय है सृष्टि का चक्र, समय का चक्र। हम जानते हैं समय के विषय में कि समय को हम पकड़ के नहीं रख सकते, समय चलता ही रहता है। तो ये समय का चक्र कैसे चलता है, ये समय क्या है, वो कब तक चलता है और कैसे कैसे अपना परिवर्तन करता है, उस समय के बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, कभी कभार हम कहते हैं कि समय मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, परंतु सोचने की बात यह है कि क्या सचमुच समय मेरा अच्छा नहीं चल रहा है या मैं समय के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही हूँ। क्योंकि अगर हम बहुत गंभीरता से सोचे, अगर बहुत गहराई से सोचे, तो बात यह है कि समय हमेशा अच्छा ही जाता है, समय हमेशा हर किसी का अच्छा ही होता है, परंतु समय को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसी के कारण हमारे लिए समय बुरा बन जाता है। हम अगर समय को, हर प्रकार के समय को एक्सेप्ट करके तो देखें, तो देखिएगा सचमुच आप ये फील करेंगे कि समय हमेशा अच्छा ही होता है। जैसा भी समय शायद से हमें देखने में लग रहा है कि मेरा समय तो अच्छा नहीं है, मेरे साथ ये बुरा चीज हुआ, जो मैंने चाहा था वो मेरे साथ नहीं हुआ, जो जिसके कारण मैंने इतना कुछ किया वो मेरे साथ नहीं हुआ, हमको लगता है। परंतु अगर आप समय की उस परिणाम को एक्सेप्ट करके तो देखें, आप देखेंगे पल भर में ही सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि समय हमारे सामने जो कुछ भी लाता है हमारे कल्याण के लिए ही लाता है, पर हम इतना परेशान हो जाते हैं उस समय को देखकर, हम इतना भी सोचने के लिए अपने को टाइम नहीं देते, हम इतना सोचते जाते जबकि पॉजिटिव होने वाला था उसको भी हम नेगेटिव कर देते हैं। तो इसीलिए स्वयं परमात्मा कहते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन में आप घबराओ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को पॉज करके उस समय के बारे में सोच के तो देखो, समय को थोड़ा मौका तो दो, देखो समय आपके लिए एक तोहफा लेकर आएगा। तो कैसे ये समय हमारे लिए अच्छा ही होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ कि कैसे समय हम सबके लिए बहुत अच्छा है अगर सिर्फ हम उस समय को, जो भी घटित हो रहा है उस घटना को, हम एक बार दिल से एक्सेप्ट कर लें। और जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, देखिएगा अपनी आंखों के सामने जो चीज चल रहा है वो तुरंत बदल जाएगा और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। हमारे सेंटर का एक भाई था जो रेगुलर क्लास में आता था, वो इंजीनियर भाई था, सत्य घटना है। तो वो उनका जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि वो अपनी फील्ड में कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिले। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट भी बनवाया था, बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत किया,
परंतु उनको मिल नहीं रहा था, तो उसका एक सपना ही था मानो। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक डिजाइन बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट अमेरिका में भेजा गया। और एक दिन क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट के लिए फोन आया कि ये प्रोजेक्ट अमेरिका में बेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से घोषित हो गया और उनको प्राइज देने के लिए उनका बुलावा आया। तो सोचिए, ये न्यूज जब वो व्यक्ति को मिला होगा, उसके मन में खुशी का नगारा बज गया होगा। वो सचमुच इतना खुश था, वो भाई इतना खुश था कि सबसे पहले जब ये न्यूज मिला तो वो उसी दिन सेंटर पर आया और जो हमारे बड़े दीदी है उनसे बात करके बोला कि दीदी सच में मैं बाबा को कैसे थैंक्स करूं, श्री बाबा को मैं कैसे थैंक्स करूं कि आज तक का जो मेरा एक सपना था वो आज पूरा हो गया। तो दीदी को भी बहुत खुशी हुई, दीदी ने उनको ब्लेसिंग दिया और उनको उनको बोला कि ठीक है आप जाइए, आपका यात्रा बहुत अच्छा हो। दीदी ने बेस्ट ऑफ लक करके उनको विदाई दिया, क्योंकि दूसरे दिन ही उनका फ्लाइट था, तो दूसरे दिन ही वो निकल गए फ्लाइट के लिए। परंतु दुख की बात ये थी, जब वो निकल गए थे रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट में उनका दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया और जिस कारण उनको इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा और उनका फ्लाइट मिस हो गया। सोचिए इस बात को, अगर हम उस दृश्य को अगर हम आंखों के सामने लेके आए कि वो व्यक्ति इतना खुश था जबकि उसके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना सफल होने वाला था, वो सपना जो देख रहा था वो उसके सामने आने ही वाला था, बस कुछ पल की देरी थी और उसी समय उसके साथ इतना बड़ा घटना घटित हो गया, उसका दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया। अब सोचिए ये सिंह देखकर कैसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा होगा, वो व्यक्ति अंदर से एकदम टूट गया था और सबसे ज्यादा नेगेटिव हो गया था हमारे संस्था के लिए। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था जिस परमात्मा को आज तक मैंने माना, जिस परमात्मा को हमेशा दिल की बातें शेयर की, उनको ही आगे रखा और आज उन्होंने मुझे समय पर मदद नहीं किया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। उनके मन में हजारों करोड़ों क्वेश्चन आने लगे, वो डिप्रेशन में जाने लगा, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ पर सबसे ज्यादा फ्रैक्चर तो उनका मन हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी बड़े जो उनका सक्सेस था उससे वो पीछे रह गया था। उस टाइम उनके मन में बहुत सारी नेगेटिव बातें चल रही थी, उनकी मिसेस भी ज्ञान में ही चलते थे, उनकी मिसेस भी समझ रहे थे, परंतु उनकी मिसेस के मन में एक पॉजिटिव था कि जो भी हुआ अच्छा भी अच्छा ही हुआ, भले वो इस समय को समझ नहीं रहे हैं परंतु अच्छा ही हुआ होगा। उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन हमारे सेंटर की जो बड़ी दीदी है वो उनके पास गए हॉस्पिटल में मिलने के लिए। जब वो बड़ी दीदी को देखा उन्होंने मुंह फेर लिया, दीदी से बात तक नहीं किया क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए थे और वो बहुत निराश था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। परंतु उनकी मिसेस ने दीदी को बोला, दीदी आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि उनकी अभी समय ही ऐसा आया है कि वो उस समय को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। दीदी को भी समझ में आ रहा था, परंतु दीदी उनके पास गया क्योंकि वो हमारा पुराना भाई था, तो दीदी उनके पास गया जाके सिर्फ एक ही लाइन दोहराया, भाई देखिए जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, जरूर उसके पीछे कुछ कल्याण तो छिपा हुआ है। परंतु उस समय वो व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था, दीदी बस ये एक शब्द बोलकर आगे। फिर एक महीना बीत गया, देखते देखते दीदी को लगा वो भाई इतना अच्छा था, एक महीना बीत गया कि ना हम उनके घर जाकर उनसे मिलते आए, क्योंकि तब तक तो उनको उनको हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई होगी। तो दीदी उनके घर गए, तो दीदी जब उनके घर गए, उनके घर में एंट्री हुआ, वो भाई तब थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुके थे, व्हील चेयर में बैठे हुए थे, पहले से तो बेटर थे। तो दीदी को देखते ही उनके चेहरे में जैसे एक खुशी आ गया और वो कैसे वो उस खुशी को व्यक्त करे उसको समझ में नहीं आ रहा था। और दीदी को देखते ही वो बहुत
हाथ जोड़ करके उनके पास क्षमा मांगने लगे और बोलने लगे, दीदी उस दिन के लिए सॉरी। भूमि ने कहा, अरे भाई एक महीने पहले उस घटना के समय आप तो बहुत नेगेटिव हो गए थे, आज क्या हुआ, आज इतना खुश है आप? कुछ नहीं, दीदी ने उनसे जब पूछा, उन्होंने सिर नीचे करके बोला, दीदी आपने जो एक शब्द बोला था कि समय में जो होता है वो अच्छा ही होता है, सिर्फ हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होता है। तो दीदी ने कहा, उस टाइम आपको समझ में नहीं आया, अभी कैसे समझ में आ गया? उस भाई ने कहा, दीदी जिस दिन ये घटना मेरे साथ घटित हुई उसके दूसरे दिन ही मुझे समझ में आ गया था और दूसरे दिन ही मेरा मन शांत हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा मैं डायरेक्ट सेंटर में जाकर आपको सरप्राइज दूंगा। दीदी बोलने लगे, कैसे आपने परिवर्तन आ गया, आपकी सोच में कैसे परिवर्तन इतना आ गया? तो उस भाई ने बोला, दीदी जिस दिन मेरे साथ ये घटना घटित हुआ उसके दूसरे दिन ही न्यूज़पेपर में जब पढ़ने लगा, न्यूज़पेपर के हेडलाइन में था जिस फ्लाइट में मैं जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया और क्रैश में एक भी व्यक्ति बचा नहीं। इस बात को सुनकर मुझे आश्चर्य लगा और मैंने सोचा कि अगर ये एक्सीडेंट मेरे साथ नहीं होता मैं उस फ्लाइट में चढ़ जाता, और अगर फ्लाइट में चढ़ जाता तो आज जो फ्लाइट क्रैश हो गया है तो मैं भी उस फ्लाइट में होता। आज तो मैं एक छोटी सी एक्सीडेंट के कारण मेरा दो पैर फ्रैक्चर हुआ है, हो सकता है सिर्फ मैं एक दो महीना बैठ के हूँ फिर ठीक हो जाऊंगा, परंतु अगर मैं उस फ्लाइट में होता आज शायद से मेरा जीवन ही नहीं रहता। फिर मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था? उस टाइम मुझे याद आया, उस टाइम मुझे समझ आया कि सचमुच स्वयं परमात्मा मुझे कितना प्रेम करता है, क्योंकि उसको पता था कि भले उस पार मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी इंतजार कर रहा है परंतु उसके बीच में मेरे लिए बहुत बड़ा विघ्न भी इंतजार कर रहा था, इसलिए वो बड़ा विघ्न भी एक छोटा सा रूप बनकर शायद मैंने इतनी बड़ी प्राइज मिस कर दिया, परंतु आज मैं जिंदा हूँ। आज हो सकता है दो महीने में मैं ठीक भी हो जाऊंगा और आज उसके बाद स्वस्थ होने के बाद मैं अगर और भी ज्यादा मेहनत करूं तो फिर शायद उससे भी बड़ा अवार्ड मैं हासिल कर सकता हूँ, परंतु अगर मेरा जीवन ही ना होता तो मैं क्या कर पाता? तो देखिए ये सत्य घटना है आपके सामने। ये घटना से हमें क्या पता चलता है कि देखने में तो उस टाइम लग रहा था कि ये तो व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा हुआ, ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा उसका जीवन में सक्सेस होने वाला था, इतने जीवन भर का मेहनत उसके सामने अभी सक्सेस होने ही वाला था और इस बीचों बीच उसके साथ इतना बड़ा घटना हो गया, देखने में तो बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या ये बुरा था? सिर्फ उस टाइम जब उन्होंने समय की उस राज को समझ लिया, समय की उस रहस्य को वो समझ लिया, बस उनके सामने से वो पर्दा हट गया और उनको सब कुछ क्लीन दिखाई दे रहा था। तब हम क्या कहेंगे, क्या समय मेरा बुरा चल रहा था? नहीं, बुरा समय किसी का कभी बुरा नहीं चलता, हम ही सोचते सोचते समय को क्रिटिकल बना देते हैं। हम अगर हर एक समय को एक्सेप्ट कर ले, हर एक समय को इजीली ले ले, तो आप देखिए समय कभी बुरा नहीं जाएगा, अब हर बात के पीछे कल्याण ही कल्याण देखेंगे। एक बार एक कहानी मुझे याद आती है, एक बार राजा अकबर और बिरबल, उनका जो मंत्री था बहुत बुद्धिमान मंत्री था बिरबल, वो लोग शिकार करने के लिए जंगल में गए थे और जंगल में शिकार करते करते राजा का उंगली कट गया था और वो उंगली जब कट गया था
तो उस उंगली से खून निकलने लगा और बिरबल कहने लगा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। परंतु राजा को बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि उसका उंगली कट गया और उसका मंत्री इतना खुश हो रहा है और बोल रहा है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसका गुस्सा एकदम आसमान तक चढ़ गया। उसने अपने सैन्य से बोलने लगा कि मेरे मंत्री को कारागार में बंदी बना दो, क्योंकि उसका इतना बड़ा साहस कि उसके राजा का हाथ काटा और वो बोल रहा है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और जब उसको कारागार लेके जा रहे थे तब भी उसने कहा बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था, जो भी उसके मंत्री को तो लेकर चले गए सैन्य लोग कारागार में, परंतु राजा तो जंगल में ही रह गए थे, वो शिकार करने में मगन हो गए थे। और उसी समय अचानक वन में चलते चलते वो रास्ता भटक गया और उस रास्ते से जो वन मानव होते हैं, जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, वो लोग अपने त्योहार में एक नर बलि देने के लिए कोई नर को ढूंढ रहे थे। और सच में ढूंढते ढूंढते राजा मिल गया। राजा अकेला था, वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो जंगली लोग बहुत सारे थे और सभी ने राजा को घेर लिया और राजा हार गया। राजा को पकड़ कर मंदिर में ले गया और राजा को बलि चढ़ाने के लिए एकदम चढ़ाई देंगे। उसी समय जो मंदिर का पंडित था उसने कहा बलि उसका ही चढ़ सकता है जिसमें कोई खंडित अंग ना हो। तो जब उनका पूरा अंग देखा गया, चेक किया गया, तो देखा है उनका एक उंगली कटा हुआ था। तब पंडित जी ने कहा नहीं, इनका बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि उनका उंगली कटा हुआ है, क्योंकि बलि जो होगा वो बिना खंडित का होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। और राजा को छोड़ दिया। राजा को वो बात याद आई उनकी मंत्री की, कि उनके मंत्री ने कहा था कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। उनको उस समय महसूस हुआ अरे उस समय भले मेरा उंगली कटा था पर मैंने इस राज को नहीं समझा था, क्योंकि उस समय तो मुझे दर्द हो रहा था, उस दर्द को ही मैंने बहुत बड़ी बात समझ ली थी, परंतु मेरे मंत्री ने तो बहुत अच्छा समझ लिया। वो फिर अपने सैन्य को लेकर अपने राज्य में चले गए। राज्य में जब जहां पर मंत्री बिरबल को बांध के रखा था उसके पास गई और उससे क्षमा मांगने लगे कि बिरबल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बातों को समझ ना पाया। परंतु राजा के मन में और एक प्रश्न था। राजा कहने लगा कि अच्छा जब मेरा हाथ काटा, उंगली काटा, तब आपने कहा कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, उसकी बात को तो मैं समझ लिया क्योंकि सच में मेरा उंगली अगर ना कटता आज मैं बलि चढ़ जाता। परंतु जब आपको मैंने कारागार में भेज दिया तब आपने ये शब्द क्यों बोला था कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, इसका कारण क्या है? तब बिरबल ने हंसकर बोला राजा अगर आप मुझे कारागार में ना भेजते तो मैं आपके साथ ही रहता, और जैसे वो जंगली लोग आपको पकड़ा तो मुझे भी पकड़ता, मेरा तो उंगली नहीं कटा, मैं तो संपूर्ण था, अगर आपका बलि नहीं चढ़ता मेरा बलि चढ़ जाए। राजा बहुत आश्चर्यचकित होकर वो सुनने लगा और सोचा कि सच में हमको जो दिखाई दे रहा था वो सत्य तो नहीं, सत्य तो था परंतु उस सत्य के बीच में जो और एक सत्य छिपा हुआ है उसको तो मैंने सोचकर भी नहीं देखा ही है, इसीलिए क्यों ना समय का रोना ना रोकर हम समय को एक्सेप्ट करना सीख जाए। हम आज देखिए समय अच्छा हो जाए, मेरा समय ठीक हो जाए, इसके लिए कितना कुछ करते हैं। कोई अंगूठी पहनते हैं तो कोई ताबीज पहनते हैं तो कोई अपना क्या क्या करते हैं, कोई बहुत सारे आज तो चीजें निकल गई है वो चीजें, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो
सोचते हैं शायद ये चीजों से मेरा समय बदल सकता है। नहीं, समय कैसे बदला जा सकता है, समय तो जो करवाना है वो करवाएगा ही। बस अगर खुशी खुशी से हम पास करना चाहें समय की हर बातों को, तो हमको समय को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तब देखिएगा समय हमेशा आपके लिए एक बहुत सुंदर तोहफा लेकर आएगा। यही है समय, है ना? अब समय के चक्र को हम जानें, इस समय कितने चक्रों में विभक्त है, कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और कैसे वो चक्र रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर अभी चित्र में आपको दिखाया जाएगा सृष्टि का चक्र, जो समय का चक्र है, जो काल चक्र है, उसको आपके सामने चित्र दिखाया जाएगा और उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे ये समय बीतता जा रहा है और कौन कौन से युग हम पास कर करके आज कौन से युग में हम पहुंच गए हैं। जैसे देखिए आज जो भी जितने भी चक्र है, सभी चक्र चार भागों में भाग किया गया है। जैसे आप दिन रात्रि का चक्र देखिए, पहला पहला पार्ट है सुबह, दूसरा पार्ट है दोपहर, तीसरा पार्ट है शाम और चौथा पार्ट है रात। अगर हम जल चक्र को देखें, वायु चक्र को देखें, हर चक्र इन्हीं चार भागों में विभक्त है। ठीक उसी प्रकार ये सृष्टि का चक्र भी, ये समय का चक्र भी, ये चार भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो भाग है उसे कहा जाता है सत्य युग या स्वर्ण युग, जो इस सृष्टि का एकदम पहला भाग। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि जो समय का चक्र है, समय के चक्र का जो पहला भाग है वो है सत्य युग या स्वर्ण युग। इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक समय सोने का चिड़िया था, परंतु कब था ये शायद हमें पता नहीं, क्योंकि आज से कल भी हम जितना भी सोचा है या सुना है, देखे तो कहीं कभी भी हमने सोने के चिड़िया के रूप में तो भारत की बात नहीं सुनी, परंतु कब था? था तो जरूर, कहा जाता है इसका मतलब कभी तो था। तो कब वो सोने की चिड़िया था, कब भारत सोने का चिड़िया था? वो था सत्ययुग में, जब सृष्टि का आदि समय चल रहा था, जो सृष्टि का सुबह का समय चल रहा था। क्योंकि देखिए सुबह का समय हम सभी के लिए बहुत सुंदर समय होता है। वो समय हम पूरा फ्रेश रहते हैं, हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, हम टोटली हर कार्य को करने के लिए, पूरे दिन भर के काम करने के लिए हम एकदम एवर फ्रेश रहते हैं। तो वो सृष्टि का पहला समय था, वो है सत्ययुग। तो सत्ययुग ऐसा समय था कि हम वहां पर टोटली चार्ज थे, क्योंकि हमने पहले की सेशन में सुना कि हम आत्मा आज डिस्चार्ज हो गए हैं, जिसके कारण आज हम हर बातों को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चला नहीं पाते हैं, हम मन के गुलाम बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हम आज डिस्चार्ज हो गए हैं, माना हमारी आत्मा में जो शक्ति थी, हमारी आत्मा में जो पावर थी, वो आज धीरे 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 डिप्लीट हो गया है। अभी जब हम सत्ययुग में थे, हम जस्ट अपने घर से, माना परम धाम से, इस नाटक मंच पर, इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पर फर्स्ट टाइम एंट्री किया। तो फर्स्ट टाइम जस्ट एंट्री किया तो हम फुल चार्ज थे या नहीं चार्ज थे? एकदम फुल चार्ज थे। तो इसीलिए उस समय हम बहुत एक्टिव थे, हमारे अंदर सारे गुण थे, जो सुख शांति आनंद प्रेम, जो देवी देवताओं के लिए कहा जाता है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, तो ये सारे 16 कलाएं हमारे अंदर थे। तो हम सर्व गुणों से संपन्न थे, वो सुख की दुनिया थी, हम
क्योंकि कहा जाता है स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में, तो वो स्वर्ग कहलाता है। वो सत्ययुग का समय ही हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि उस समय हमारे जीवन में कोई दुख अशांति नाम की कोई चीजें ही नहीं थी, क्योंकि उस समय हम हर तरफ से समृद्ध थे। हमारा हमारा मन हमारा गुलाम था और हम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। मैं आत्मा राजा अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी, अपने स्वराज्य की अधिकारी थी। तो उस समय मैं आत्मा बहुत पावरफुल थी, फुल चार्ज थी। धीरे 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 हमारी शक्ति, हम जन्म लेते 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 सत्ययुग से हम त्रेता युग में आ गए। तो जन्म लेते लेते, क्योंकि हम आत्मा जो चार्ज थे, हम यूज होते होते जन्म जितना जन्म लेते जा रहे हैं, हमारी शक्तियां हमारी क्षमताएं यूज होती जा रही थी। और यूज होते 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 धीरे धीरे जब त्रेता में एंट्री किया तो हमारी शक्ति सत्ययुग से थोड़ा सा डाउन हो गया। सत्ययुग में जितना था उससे थोड़ा सा डाउन हो गया, तो त्रेता युग में भी फिर भी स्वर्ग जैसा ही था, परंतु थोड़ा सा हमारा शक्ति इधर उधर हो गया। फिर भी वो युग भी बहुत अच्छा बीता। उस टाइम भी हमारे पास शक्ति तो था, हमारे सोच भी अच्छे थे, हमारे विचारधाराएं भी अच्छी थी। फिर धीरे धीरे जब और भी जन्म लेते गए और भी आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे त्रेता युग से जब हम द्वापर युग में एंट्री किया तो हमारी शक्ति और भी डिप्लीट हो गई, हमारी शक्ति और भी कम हो गई। और हम देवी देवताओं से हम मनुष्य बन गए। और द्वापर युग में जब हमारी शक्ति एकदम ही कम हो गई, क्योंकि कहां हम 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, और धीरे 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 हमारी कला कम होते होते द्वापर युग में आकर एकदम ही डाउन हो गया और हम देवी देवताओं से हम इंसान बन गए, मनुष्य बन गए। और उस समय हमारी शक्ति अचानक से चली गई और उस समय हम बहुत दुखी होने लगे, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति थी वो तो धीरे धीरे खाली हो गया। अब वो खाली स्थान पूर्ण करने के लिए किसी को तो एंट्री करना पड़ेगा। वो खाली स्थान में एंट्री कर लिया वो पांच विकार, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पांचों विकारों का एंट्री होने लगा और हमारे अंदर हर किसी के प्रति ईर्ष्या भाव, हर किसी के प्रति घृणा भाव, हर किसी को किसी के साथ कंपटीशन की भावना, हर किसी को नीचे दिखाने की भावना हमारे अंदर धीरे 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 प्रवेश करने लगा। हम इतने दिन तक हम आत्माभिमानी थे, अब धीरे धीरे हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियस आने लगा, हम देह के अभिमान में आने लगे। और तभी दुनिया में डिवाइड होना शुरू हो गया। उसी समय मेरा मेरा तेरा तेरा होना शुरू हो गया। और उस समय जब ये नेगेटिव बातें हमारे अंदर घुसने लगा, तब हमारे जीवन में दुख आने लगा, हम दुखी होने लग गए। जिस सत्ययुग और त्रेता युग में हमने कभी दुख के बारे में सोचा भी नहीं था, दुख क्या होता है उसके बारे में नाम भी नहीं सुना होगा, और द्वापर में कदम रखते ही ना रखते हमारे सामने दुख के पहाड़ गिरने लग गए और हम दुखी होने लगे। और तब हम अपनी शक्तियों को भी खो बैठे और तब फिर से अपने आप को चार्ज करने के लिए कहां दुसुख मिलेगा वो ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने जिसकी पूजा शुरू की वो थे स्वयं शिवलिंग की, स्वयं परमात्मा की। तो राजा विक्रमादित्य पहले शिवलिंग की स्थापना किया था, सोमनाथ का मंदिर की स्थापना की थी और शिवलिंग की पूजा शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे जितना हम जन्म लेते जा रहे हैं उतना ही हमारी शक्तियां और भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और जितनी शक्तियां कम होती जा रही है उन शक्तियों की जगह ले रहा है वो नेगेटिव बातें, वो पांच विकार,
हमारे अंदर एकदम जैसे साम्राज्य फैला दिया और ये पांच विकार जैसे अपने मुट्ठी में हमें कर लिया। अभी हम मन इतने दिन तक हमारा गुलाम था और द्वापर युग से हम मन के गुलाम बन गए। हम अपने सिंहासन से, मैं आत्मा राजा अपने सिंहासन में बैठी हुई थी और मैं जब द्वापर में एंट्री किया तब मैं अपने सिंहासन से उतर गया और मन मेरे सिंहासन पर बैठ गया। अब मैं मन का गुलाम बन गया। अब मन जैसा बोलता है मैं वैसा ही करने लग गया और द्वापर युग से ही हमारे दुख की दशा शुरू हो गई और तब ही हमने बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया। जो देवी देवता हम ही थे सत्ययुग त्रेता युग में, वो देवी देवताओं की मूर्तियों की मूर्ति बनाकर हम ही पूजा करने लग गए। तो सोचिए अपनी पूजा हम खुद करने लग गए द्वापर युग में। अब करते करते कभी वो देवी देवता कभी वो देवी देवता, क्योंकि कहीं भी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो तो हम ही थे। तो हम तो अभी शक्तिहीन है तो अपने आप को ही कैसे हम शक्ति दे, क्योंकि जिसको पुकार रहे हैं वो अभी इस नाटक में ऑलरेडी दुखी है तो वो कैसे हमें शक्ति देगा, है ना। तो ऐसे करते 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 हम और ही दुखी होने लगे। तो कोई किसी को पूजा करने लग गए। ऐसे जन्म लेते लेते द्वापर युग पार करके हम कलयुग में प्रवेश कर लिया। अब जब ही हम कलयुग में प्रवेश कर गए बस हमारी दुख की दशा और भी बढ़ गई। जैसे हमारे सिर पर जैसे एक काला पहाड़ खड़ा हो गया और हम जैसे अपनी शक्ति जो इतना सा भी था वो भी एकदम खत्म हो गया और हम एकदम जीरो हो गए। हमारी शक्तियां जीरो हो गई और पांच विकार जैसे एकदम अपने मुट्ठी पर करके वो जैसे हमें नचाने लगा और हम भी नाचने लगे और हम दुख की दुनिया की एकदम लहरों में लहराते चले गए। और आज ये हुआ तो कल वो हुआ, परसों ये हुआ तो उसके नर्सों वो हुआ, तो कुछ ना कुछ बातें हमारे सामने आते गए और हम दुखी होने लगे। हम आत्माएं एकदम ही दुखी हो गए क्योंकि कलयुग चल रहा था और उस कलयुग में पापाचार भ्रष्टाचार हर एक व्यक्ति के मन में पाप की भावना, पाप कर्म करने लगा, हर कोई के द्वारा पाप ही होने लगा। तो हर किसी के मन में वो पाप की ही भावना थी, जैसे पाप भी कर रहा है, जानता भी है ये पाप, ये करने से हमें पाप होगा, फिर भी वो करना चाहता नहीं है परंतु उससे हो जा रहा है। वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल करने की शक्ति तक हमारे पास नहीं था क्योंकि हमारे अंदर की जितनी शक्ति थी, हम सत्ययुग में इतने सत्व प्रधान थे, हम इतने शक्तिशाली थे और आज कलयुग में आकर हमारी शक्ति एकदम खाली हो गया क्योंकि सत्ययुग से लेकर हम सिर्फ खर्च करते गए। बीच में जमा तो नहीं हुआ, इसलिए करते 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 कलयुग तक माना लास्ट तक आकर हमारा खर्च एक माना हमारा भंडारा एकदम ही खाली हो गया और हम गरीब बन गए। और उस समय हम इतने दर्द में आ गए कि हम अपनी दर्द किसके साथ शेयर करें, किसको बोले, क्योंकि जिस मनुष्य को बोल रहे हैं वो भी उसका भी दुख की कहानी कुछ अलग है, जिसको भी बोले हर किसी का कोई ना कोई दुख की कहानी है। तो मेरा सुनेगा या अपना ही झेलेगा, कोई किसी का सुनने वाला नहीं रहा। हर कोई हर किसी से मांगता है परंतु हर कोई भिखारी है। तो सोचिए समय कितना दर्दनाक है। तो ये है कलयुग का समय। ये कलयुग में हम इतने दुखी हो गए और उस समय भी हमने वही देवी देवताओं की पूजा करके हमने भगवान को ही पुकारा, उस परमात्मा को ही पुकारा, भले उनका यथार्थ परिचय हमारे पास नहीं था क्योंकि हम इतने डिस्चार्ज हो गए थे, हमारी ज्ञान इतनी क्षीण हो गई है कि हम सही और
रॉन्ग कौन सा है उसका भी पता हमारे पास नहीं था। और जब हम भगवान को पुकारने लगे, भगवान के पास चिल्लाने लगे, जब कलयुग का भी एकदम अंतिम समय आ गया, क्योंकि स्वयं परमात्मा तो ऊपर से देख रहा है, हर सीन को वो देख रहा है। हम जब सुखी थे वो सीन को भी उन्होंने देखा, और जब हम दुखी बन गए वो सीन भी उन्होंने देखा। अब जब देखा कि कलयुग के अंतिम समय आ चुका है और हम जोर जोर से भगवान के पास चिल्ला चिल्ला के पुकार रहे हैं, भगवान बस और बस करो, हम से और नहीं हो रहा है, हम भगवान को ही गालियां देने लग गए कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि ये भगवान का किया कराया नहीं है, ये तो सृष्टि नाटक का ही एक चक्र है, ये तो चलेगा ही, ये तो नाटक है, इस नाटक को बीच में से भगवान भी नहीं रोक सकता क्योंकि ये नाटक बना हुआ है, तो ये चलता ही रहेगा। परंतु हमने भगवान को समझा ही नहीं, हम भगवान को पुकारते गए, दो हाथ उठा के पुकारते गए, जब भगवान को इतना पुकारा तब भगवान को जब हमारी इस दयनीय दशा दिखाई दिया, तब परमात्मा ने बहुत कोशिश की हमें उनका यथार्थ स्वरूप का परिचय देने के लिए। देखिए, द्वापर युग से ही हमारे साथ इतना दुर्दशा होना शुरू हो गया था, और तब से हम परमात्मा को पुकारते आए हैं, परमात्मा को बुलाते आए हैं, और उस समय से उन्होंने बहुत कोशिश किया कि उनका सत्य स्वरूप का हमें पता चले और हम सही रीति से उनको यथार्थ रूप से याद करें कि हम फिर से चार्ज हो जाए। परंतु हमने उनकी बात को कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने उनकी बातों पर कभी अटेंशन ही नहीं दिया, हमने कभी भी उनकी बात को समझने के लिए नहीं चाहा। कैसे? देखिए, द्वापर युग में जब हम देवी देवताओं का पूजा करना शुरू किया, बहुत हमारे समाज में, समाज व्यवस्था में उथल पथल आ गया, कोई कहता है ये राइट है, कोई कहता है वो राइट है, जब ऐसा वैसा होने लग गया तब क्या होना शुरू हो गया, द्वापर युग से हमारे जीवन में बहुत बहुत सारी बातें आने लगी, हर किसी के चिंताधारा में बहुत सारी बातें आने लगी। तब स्वयं परमात्मा ने वैरायटी धर्म स्थापकों को भेजा, मैसेंजर के रूप में भेजा, और वो लोग भी क्या परिचय देने लगे, सभी ने, हर कोई ने किसके तरफ इशारा किया, उस परमात्मा की तरफ ही इशारा किया, हर एक धर्मात्मा ने किसके तरफ इशारा किया, उस परमात्मा की तरफ ही इशारा किया, उस परमात्मा को ही समझाने के लिए हमें बोला, परंतु हमने उनकी बातों को समझा नहीं। क्योंकि देखिए, हर धर्म के लोग, अगर हम जीसस क्राइस्ट को देखें, उन्होंने किसको इशारा किया, उन्होंने भी कहा गॉड इज लाइट। आज अगर हम इब्राहिम को देखें, अगर हम गौतम बुद्ध को देखें, हर किसी ने उस ज्योति की तरफ इशारा किया, परंतु हमने उनकी बात को समझा ही नहीं, और हमने क्या किया, हमने उस व्यक्ति को ही भगवान मान लिया। जैसे आज जीसस क्राइस्ट ने बोला गॉड इज लाइट, तो हमने उनको भगवान मानना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने उस परमात्मा को ही इशारा किया था, जबकि उन्होंने उस परमात्मा की तरफ ही उंगली दिखाया था, परंतु हमें समझ में नहीं आया। तो द्वापर युग से ही परमात्मा ने हमारे सामने उनकी सत्य स्वरूप लाने के लिए बहुत कोशिश किया, परंतु जब देखा उन मैसेंजरों द्वारा भी हम उनकी सत्य स्वरूप को ठीक से समझ नहीं पा रहे, तो उस समय धर्म शास्त्र लिखे गए, तो उस शास्त्र में भी जो बातें लिखी हुई है, कोई एग्जाम्पल के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से समझाना चाहा, वो कहानी में भी किसको बताना चाहा, उस परमात्मा की शक्ति के बारे में बताना चाहा, परंतु हमने उस कहानी को ही सत्य मान लिया, उस कहानी को ही हमने सही मान लिया, सोचा वो कहानी सत्य है, वो कहानी ही, कहानी में जिस एक व्यक्ति को दिखाया गया शायद वो सारी बातें वो व्यक्ति के लिए ही बोला गया है, वो हमारे लिए नहीं था।
है ना। तो द्वापर युग से ही परमात्मा ने हमें अपनी यथार्थ रूप को पहचानने के लिए, यथार्थ परिचय देने के लिए बहुत कोशिश किया। तो वो ऐसे करते 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 हमने बहुत सारी बातों को पार किया, परंतु परमात्मा की कोशिश व्यर्थ गया। हमने उनकी कोई भी बात को समझने की भी कोशिश नहीं की। और जब कलयुग का भी अंत आ गया, लास्ट अंतिम समय आ गया, हम बहुत दुखी बनने लगे, हम बहुत पुकारने लगे। और उस समय जो कलयुग का लास्ट और सत्ययुग का शुरुआत माना मिडिल टाइम, जो सत्ययुग यहाँ पर चित्र में देखिए यहाँ दिखाया गया है, कलयुग का अंतिम समय और सत्ययुग के जस्ट आगे का समय, क्योंकि अभी वो समय चल रहा है कि कलयुग आज अति में आ गया है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, माना विपरीत बुद्धि माना क्या, कलयुग आज अंतिम समय में आ गया। इसीलिए आज क्या हो गया है, कलयुग का बहुत एकदम बहुत चरम अवस्था है, क्योंकि आज मनुष्य की आदत तो देखिए, मनुष्य का विचार तो देखिए। आज अगर न्यूज़पेपर हम खोले, टीवी चैनल खोले, नेगेटिव बातों की ढेर लग जाती है, क्योंकि आज पॉजिटिव बातें तो समाज में है ही नहीं, इक्का दुक्का है, वो भी जगते हैं, और ज्यादातर नेगेटिव को लेके ही हर कोई बिजी है। तो इससे क्या पता चलता है कि आज सच में कलयुग का एकदम अंतिम समय चल रहा है। और इस समय और जो कलयुग के बाद कौन सा समय आने वाला है, जरूर सत्ययुग, क्योंकि दिन जब बीत जाता है तो दिन के बाद दोपहर के बाद फिर शाम के बाद रात, फिर रात के बाद वापस कौन आता है, वापस वो सुबह का समय आता है। ठीक उसी प्रकार अभी कलयुग माना इस सृष्टि चक्र का जो रात का समय है, अभी बीत कर अभी फिर से दिन आने वाला है, तो वो दिन है सत्ययुग। अब दिन तो तुरंत नहीं आ जाएगा, परंतु उसके आगे का जो समय है, जो जिसको हम संधि काल या संधि युग भी कहते हैं या संगम युग भी कहते हैं, तो वो समय जो कलयुग की एंडिंग और सत्ययुग की शुरुआत, ये जो संगम का समय है, दो युगों का जो मिलन स्थल है, जो दो युगों के बीच का समय है, उसी समय स्वयं परमात्मा हमारी पुकार सुनकर इस धरा पर आते हैं। और इस धरा पर आके वो हमें ये सत्य कहानी बताते हैं, ये सत्य बातें बताते हैं कि देखो आज हर एक आत्मा का दुखी होने का अस्थि रहस्य क्या है। अस्थि रहस्य यही है कि हम आत्माएं आज इतने शक्तिशाली थे, सर्वगुण संपन्न थे सत्ययुग में, परंतु आज हमारी शक्ति धीरे 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 जन्म लेते लेते सारी शक्ति खत्म हो गया है। और आज हमारे पास पूंजी कुछ भी नहीं बचा, अपनी जमा कुछ भी नहीं बचा, इसके कारण आज हम दुखी बन गए हैं, आज हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने चांस दिया, क्योंकि अभी इस पार से उस पार जाना है, कलयुग से अभी सतयुग में जाना है। इसीलिए अभी इस समय में हमें क्या करना है, इस समय में हमें पूरे युग के लिए सतयुग से लेकर कलयुग के अंतिम दिन तक हमें फिर से अपनी पूंजी को बढ़ाना है, अपनी जमा के खाते को बढ़ना है, क्योंकि पूरे युग में हमें खर्च करने के लिए जमा तो करना पड़ेगा ना। तो यही वो समय है, क्योंकि इसी समय स्वयं परमात्मा खुद इस धरा पर आते हैं। वो तो जन्म मृत्यु में नहीं आता, परंतु वो इस धरा पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो पर काया प्रवेश कर, वो इस धरा पर आकर पर काया प्रवेश कर हमें ये दिव्य ज्ञान देते हैं। और ये दिव्य ज्ञान देकर हमारी अज्ञान अंधेरा दूर कर हमें ज्ञान की प्रकाश पे ले जाता है, और हमें सब ज्ञान देकर हमें फिर से फुल चार्ज कर देते हैं।
तो यही वो समय है जिस समय हम उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम उनकी यथार्थ रूप को जान सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनके प्यार की अनुभूति कर सकते हैं, उनके साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। वही समय है, यही वो संगम युग है, जो सुहावना समय है, जो कल्याणकारी समय है। इस समय को अगर हम कार्य में न लगाए तो हम पूरे कल्प के लिए, पूरे युग के लिए खाली ही रह जाएंगे। तो कैसे हम पूरे युग बिताएंगे, कैसे हम पूरे युग चलेंगे? अगर कमाई नहीं किया तो पूरा ही जीवन हमारा, पूरा ही युग का युग हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए स्वयं परमात्मा खुद इस धराधाम में अवतरित होकर कह रहा है कि बच्चे तुम जागो, तुम आज तक अज्ञान की निद्रा में सोए हुए थे, अभी तुम्हारी निद्रा पूरी हो गई है, अब तुम जागो, क्योंकि अभी वो समय है जो स्वयं परमात्मा इस धरा पर आ गया है और वो आकर हमें फिर से ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। यही इस सृष्टि चक्र का रहस्य है और ये संगम युग बीतते ही सत्युग आ जाएगा इस धरा पर। ये सृष्टि को परिवर्तन होना ही है। आप अगर कहे कि कैसे इस कलयुग से सत्युग, कहां कलयुग इतना दुखमय और कहां सत्युग वो सुखमय स्वर्णिम दुनिया, वो स्वर्ण की दुनिया कैसे आ सकती है? आपके मन में आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु आप सोच के तो देखिए, अमावस्या जैसी काली रात अगर सुबह सुनहरी सुबह में बदल सकता है, तो क्या काली रात बदल सकता है? तो क्या कलयुग सत्युग में ही बदल सकता? जरूर बदल सकता है ना। तो इसी प्रकार जैसे रात दिन में बदल सकता है, तो कलयुग भी सत्युग में बदल सकता है। तो इसी तरह ये हर युग बदलता रहता है और एक वन बाय वन ऐसे पास करते 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 हम अपने ड्रामा को प्ले करते 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 एक समय डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर पाते, हम निराश हो जाते हैं और निराश होकर उस परमात्मा को याद करते रहते हैं जो कि हमारा पिता है, उनको याद करते रहते हैं और वो भी हमारे पुकार सुन इस संगम पर आते हैं, तो क्यों ना हम उनकी पुकार सुन ले। तो देखिए ये चक्र पूरा कंप्लीट कैसे होता है? जो सत्युग है वो 1250 वर्ष का होता है, त्रेता युग 1250 वर्ष का होता है, द्वापर युग 1250 वर्ष का होता है और कलयुग 1250 वर्ष का होता है। तो टोटल जो ड्रामा होता है ये 5000 वर्ष का होता है और ये 5000 वर्ष में हम एक्टर, हर एक्टर ये 5000 वर्ष में अपना पूरा ड्रामा कंप्लीट करते हैं और कलयुग के बाद फिर से सत्ययुग आता है और फिर सत्ययुग से हम फिर से जर्नी शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार हम जर्नी करते हैं और जर्नी करते 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 एक समय शक्ति कम हो जाती है और फिर से हम चार्ज हो जाते हैं। ऐसा ही नाटक चल रहा है, यही है सृष्टि का नाटक और यही सृष्टि का चक्र हर टाइम हर युग में ठीक इसी प्रकार ही चल रहा है। तो ऐसे ऐसे ही चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो सत्युग में जो देवी देवताएं, हम सत्युग में जब थे सर्वशक्ति संपन्न थे, हम ही वो देवी देवताएं हैं। आज तक देखिए हम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते आए हैं और हिंदू धर्म में सबसे विशेष 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। अब वो 33 करोड़ देवी देवताएं है कहाँ? कभी हमारे मन में प्रश्न उठता है या नहीं उठता? हमारे मन में प्रश्न उठता है तो वो 33 करोड़ देवी देवताएं कहाँ है? वो 33 करोड़ देवी देवताएं हम सोचते हैं शायद आसमान में है, स्वर्ग में है। तो कोई कहते हैं आसमान में ही स्वर्ग है, परंतु आज साइंटिस्ट लोग कितना कुछ छाना है, कहीं भी स्वर्ग का पता तो नहीं चला उनको या देवी देवताओं का पता तो नहीं चला उनको।
माना वो देवी देवताएं कहीं ऊपर नहीं रहते, वो देवी देवताएं और कोई नहीं, वो देवी देवताएं हम ही थे। जब हम सत्ययुग में थे, जब ये दुनिया में, ये दुनिया सुबह था, ये दुनिया का सुबह का समय चल रहा था, उसी समय हम ही देवी देवताएं थे और हम ही देवी देवताएं, वो 33 करोड़ देवी देवताएं थे जो सत्ययुग और त्रेता युग में हमने राज किया। वहां पर सुख की दुनिया थी, वो दो दुनिया जो दो युग था वो हमारे लिए ही स्वर्ग था, और बाकी जब हम द्वापर और कलयुग में आए वो दो युग था नरक, क्योंकि उस समय दुख ही दुख था। तो सत्ययुग और त्रेता युग ही स्वर्ग है और द्वापर युग और कलयुग ही नरक है। इसीलिए कहा जाता है, किसी कवि ने लिखा था कि यहाँ ही स्वर्ग और यहाँ ही नरक, माना इस धरती पर ही स्वर्ग और इससे धरती पर ही नरक है। तो वो क्या कौन सा समय है, जब सृष्टि पर सत्ययुग और त्रेता युग चल रहा था तब ये सृष्टि ही क्या था, स्वर्ग था, और जब इस सृष्टि पर द्वापर युग और कलयुग चल रहा था तब ये सृष्टि नरक है। तो हमने जाना कि ये सृष्टि कैसे चक्र बदलता रहता है और इस चक्र के साथ साथ हम आत्माएं ही बदल रही है, तो हमारा कर्म भी बदल रहा है। तो सत्ययुग में भी हमारे द्वारा जो पूंजी हुई, जो संगम युग में हमने अपने लिए जो जमा का खाता बनाया, क्योंकि संगम युग ही वो समय है जो कलयुग का एकदम एंडिंग टाइम, स्वयं परमात्मा ने हमें थोड़ा सा मौका दिया पूरे युग में अपना कमाई जमा करने के लिए, क्योंकि उस समय, इस संगम युग के समय हम जो कमाई करेंगे, जो अपनी पूंजी जमा करेंगे, उसी पूंजी से हमें पूरा युग चलना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो वो क्या करता है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता रहता है, जितना भी उसको वेतन मिलता है उसमें से कुछ पैसे वो जमा करता रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो रिटायर हो जाएगा, जब वो वृद्ध हो जाएगा, तब उसी पैसे से वो अपना जीवन चलाएगा, उसी उद्देश्य से वो अपना बैंक बैलेंस बनाता रहता है। तो बीतते बीतते समय ऐसा आ जाता है कि वो रिटायर हो जाता है और तब वो अपनी की हुई जो बैंक बैलेंस है उससे ही वो पैसा ले लेकर समय गुजारता है, परंतु वो गुजारता रहता है, वो उसी बैंक बैलेंस के ऊपर ही वो चलता रहता है। तो धीरे धीरे कभी ऐसा समय आता है, देखा जाता है कि उसका जमा किया हुआ जो पैसा था वो खत्म हो जाता है, परंतु देखता है वो तो अभी भी स्वस्थ है, उसका जीवन आगे भी चलने वाला है। तब वो क्या करता है, तब वो कुछ का छोटा मोटा काम ढूंढ लेता है और सोचता है कि अभी आगे का जीवन चलाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो वो काम करने लगता है। पर जब और भी बूढ़े हो जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, वो काम भी उससे नहीं करा जाता और उसके जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो गए होते, तब वो क्या करता है, जो अपने बच्चे हैं उससे आशा करने लगते हैं कि वो हमें देखभाल करे, वो अपने पैसे से हमें चलाए, तो वो क्या करता है, उधार लेने लग जाता है, दूसरों से उधार लेता है या अपने बच्चे से मांग करता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय उसके जीवन में बहुत दुखी दशा आ जाती है। ठीक उसी प्रकार आज भी हमारा समय ऐसा ही है, क्योंकि संगम युग में जिसने जितना समय बचाकर अपने लिए कमाई जमा किया, जिसने जितना पुण्य कर्म करके अपने अपने लिए जमा किया, वो पूरे युग के लिए जमा किया, क्योंकि यही समय एक स्वयं परमात्मा हमें सर्व शक्तियां सर्व खजाने देते हैं, और बाकी दूसरे समय परमात्मा नहीं आते, क्योंकि एक ही समय परमात्मा आते हैं। तो उस समय हमने अगर अपने लिए जमा कर लिया तो पूरे युग में उसका फायदा हम लेते जाएंगे। तो हमने जितना जमा किया हमने सत्ययुग में भी उसके प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त हुआ, त्रेता युग में भी प्राप्त हुआ, द्वापर युग में भी थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ,
परंतु द्वापर युग में भी जब हमने देखा कि हमारा बैंक बैलेंस बस खत्म ही होने वाला है, हमारे हाथ में तो कोई पूंजी भी नहीं है, परंतु आगे और एक जो युग चलना है, तो द्वापर युग में हमने दान पुण्य आदि करना शुरू किया। हमने सोचा दान पुण्य करके थोड़ा सा तो पुण्य कर्म हो जाएगा, शायद से इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। हमने दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया, तो धीरे 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 जब कलयुग में आ गए, तब तो पाप कर्म हम चाहते हुए भी हमारे द्वारा अच्छा कर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अनकंट्रोल हो गया था, क्योंकि कलयुग में हम अपनी क्षमता ही खोए बैठे थे। तो इसी प्रकार कलयुग में हमारे द्वारा पाप कर्म होता गया। तो इस तरह से हम पूरे युग में चलते 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 ये सृष्टि का चक्र आज संगम युग की घड़ी में आ गया, जिस समय स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरा पर आकर हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सृष्टि का चक्र इन चार युगों से डिवाइड किया हुआ है, इन चार युगों में विभक्त है। पहला है सत्ययुग, दूसरा है त्रेता युग, फिर तीसरा है द्वापर युग और लास्ट है कलयुग। और लास्ट जो और एक छोटा सा युग है, जो संधिकाल है या फिर संगम युग है, वो समय या कल्याणकारी युग भी कहते हैं इस समय को, वही भोर का समय है, प्रभात का समय है। हमने भक्ति मार्ग में भी सुना, सुबह सुबह वो भोर के समय पर अगर उठकर हम भगवान को याद करें, या फिर हम प्रभात के समय उठकर पढ़ाई भी करें, तो भी याद में रह जाता है, क्योंकि वो समय बहुत सतो प्रधान समय है, वो समय बहुत मूल्यवान समय होता है, बहुत शुभ समय होता है। ठीक उसी प्रकार ये भी युग के जो बीच का समय है, कलयुग और सत्ययुग के बीच का जो समय है, जो प्रभात का समय है, वो प्रभात का समय क्या होता है, पूरा सुबह भी नहीं है और पूरा रात्रि भी नहीं है, माना रात्रि का प्रभाव भी थोड़ा है और दिन का प्रभाव भी थोड़ा है। तो उस बीच का जो समय है वही संगम युग है, और यही समय अभी चल रहा है। अभी ये अमूल्य समय को जो कार्य में लगाएगा, जो पूरे कल्प के लिए हमें जो जमा करना है वो जमा करेगा, वह उसका ही गति बहुत अच्छा होगा। तो इस सृष्टि के चक्र में ये बहुत अच्छा बताया गया है कि एक तरफ देखिए यहाँ पर दिखाया गया, जिधर कलयुग और द्वापर युग है वही नरक है, और जिधर सत्ययुग और त्रेता युग है वही स्वर्ग है। तो ये है सृष्टि का चक्र। उसके बाद हम जानेंगे कैसे ये सृष्टि के चक्र में हम कितने जन्म लिया। पूरे सृष्टि के चक्र में ये 5000 वर्ष का जो चक्र है, उसमें कितनी जन्म ली है और कौन सी युग में हम कैसे 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 आगे बढ़ते गए, और हमारी कितनी जन्म हुए, पूरे 5000 वर्ष में हमने कितना जन्म लिया, और ये पूरे जन्म कहानी के बारे में हम जानेंगे। तो अभी हमारे सामने सीरी का चित्र दिखाया जाएगा, और इस चित्र में डिटेल्स में स्वयं परमात्मा ने हमें बताया है। अभी देखेंगे सीरी का चित्र, इसमें स्टेप बाय स्टेप हर बातों को क्लियर किया गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि सत्ययुग में हम जो देवी देवताएं थे, हम देवी देवताएं वहां पर 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे और सर्व कलाएं हमारे अंदर थी, वही सत्ययुग था। तो सीरी का चित्र दिखाएंगे अभी। तो उसमें बताया गया है कि हम वहां पर 16 कला संपूर्ण थे, जो 84 जन्म हम लेते हैं, कहा जाता है स्वयं परमात्मा ने कहा ये पूरे सृष्टि चक्र में हम 5000 वर्ष में हम 84 बार जन्म लेते हैं। तो कैसे वो 84 जन्म लेते हैं, उस जन्म कहानी को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाएंगे अभी
सीरी के चित्र में, देखिए हमारे सामने अभी सीरी का चित्र आएगा, उसमें डिटेल्स में हर बात बताया गया है, चित्र देखने से ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर बताया गया है कि पहले ही जो सत्ययुग था स्टार्टिंग का बताया, जैसे एक तरफ से परमधाम दिखाया है जो हम ऊपर में आत्माएं, आपको पहले भी स्टार्टिंग दिन आपको दिखाया गया था हम आत्माएं कहाँ रहते हैं उस परमधाम में, साइड में एक चित्र है देखिए, तो उसमें से हम आत्माएं जब इस सृष्टि नाटक में पहला पार्ट प्ले करने लगते हैं, हाँ यहाँ पर दिखाया गया है जो पहला पार्ट हम प्ले करने लगते हैं, तो ये है सत्ययुग, हम ही लक्ष्मी नारायण थे, हम ही राधे और कृष्ण थे, तो वहां पर ही हम देवी देवताओं के रूप में थे। ये है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, कैसे भारत का ही उत्थान हुआ था और कैसे भारत का ही आज पतन हो गया है। तो देखिए जब हम सत्ययुग में थे तब हम ही वो देवी देवताएं थे, तो हम 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, हमारी आयु 150 वर्ष थी, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत ज्यादा दिन बचते थे, ज्यादा दिन उनका आयु था। तो क्यों? क्योंकि हम जब सत्ययुग में थे हमारे आयु 150 वर्ष था, और हमारा उस टाइम जो जन्म था, हम सत्ययुग में 8 बार जन्म लेते हैं, हर कोई आत्मा 8 बार जन्म लेते हैं, और उस समय हमारी जो कलाई थी वो 16 कला संपन्न थे, सर्व गुणों से संपन्न थे, कोई चीजों की कमी नहीं थी, हर कोई हर किसी को समझ सकता था, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्तियां थी, इतनी गुण थे कि हम हर बात को समझ पाते थे, एक दूसरे को समझ पाते थे, एक दूसरे के साथ सुख को बांट पाते थे, हर एक को सुख दे पाते थे, क्योंकि किसी के अंदर कोई कमी ही नहीं थी। कमी होने के कारण ही तो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, परंतु सत्ययुग में हमारे अंदर किसी के अंदर भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमने जो भरा था अपने अंदर वो संगम युग में जो परमात्मा जब आते हैं इस सृष्टि चक्र में, हमने देखा वो संगम युग जो कमाई करने का युग था, उस समय जो हमने भरा था अपने अंदर, और उस सत्ययुग में हमारा रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, और इस समय हम सर्व सुखों से संपन्न थे। इसी समय को कहा जाता है भारत सोने का चिड़िया था, वही देवी देवताएं कहलाते हैं। तो हम वहां पर थे, और वहां की जनसंख्या 9 लाख से शुरू होती है, वहां जनसंख्या भी बहुत कम होते हैं, और वहां जन्म भी हमारे कम होते हैं, जन्म भी हम कम ही लेते हैं, 8 जन्म होता है, और हमारा जो आयु होता है वो ज्यादा होता है, 150 वर्ष का है। ऐसे ही धीरे धीरे सीढ़ी उतरते 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 जब हम त्रेता युग में आ जाते हैं, तो त्रेता युग में आने से जो हम 16 कला संपूर्ण थे, तो हमारी 2 कला कम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हम सीढ़ी नीचे उतरते रहते हैं। जैसे आपने कोई मोबाइल को चार्ज किया, तो मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या होता है, जितना आप यूज करते जा रहे हैं उसका चार्ज कम होता जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हम जितना जन्म लेते जा रहे हैं उतनी हमारी शक्तियां कम होती जा रही है, और जब हम त्रेता युग में एंट्री कर लेते हैं हमारी शक्ति 2 कम हो जाती है, 2 स्टेप कम हो जाती है, वो हम 16 कला संपन्न थे, और त्रेता में एंट्री करते ही हमारी कला 14 कला बन जाती है। तो इसी तरह हमारी जन्म भी, जितना हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हमारे जन्म भी बढ़ता जाता, वहां तो हमारे जन्म 8 जन्म थे, और हमने त्रेता में प्रवेश करते न करते हमारे जन्म 12 होने लग गए, तो 12 जन्म हो जाता है, और हमारी आयु भी थोड़ा कम होने लग जाता है, तो आयु वहां 150 वर्ष का था, और त्रेता युग में हमारे आयु 125 वर्ष होने लगा, माना थोड़ा सा कम होने लग गया।
तो वहां पर भी फिर भी स्वर्ग सुखी था, बस 2% कलाई ही हमारे कम हुई थी, थोड़ा सा ही हम डिस्चार्ज हुए थे, फिर भी हम एकदम स्वर्ग में ही थे। फिर जब धीरे 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 त्रेता युग युग से निकलकर हम द्वापर युग में आ गए, तो बस हमारी राहु की दशा शुरू होने लग गई और हम जैसे नरक में पैर रख दिया, कहा स्वर्ग था और कहा नरक में हम प्रवेश कर दिया। क्योंकि त्रेता युग पार करके जब जब हम द्वापर युग में एंट्री किया, हमारी शक्ति और कम हो गई, एकदम आधा हो गई। क्योंकि कहा हम 16 कला संपूर्ण थे और हम जब द्वापर युग में एंट्री किया, हमारी कला 8 कला हो गई, एकदम हाफ हो गया, 16 से हाफ हो गया 8 कला। तो वहां पर हम एकदम एकदम तो पूरा तो नील नहीं हुए, थोड़ा सा तो था, 8 कला था, फिर भी हमारे अंदर धीरे 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 वो नेगेटिविटी बढ़ती गई। क्योंकि जितना पॉजिटिव चीजें कम होती गई, उसका स्थान किसने ले लिया, वो नेगेटिविटी ने ले लिया। तो हमारे अंदर धीरे धीरे ईर्ष्या की भावना, हमारे अंदर धीरे धीरे दुर्भावना आने लगे और हमारे अंदर दुख की दुख बढ़ने लगा। कोई किसी को मारने का संकल्प करने लगा, कोई किसी को ठगी करने का संकल्प आने लगा। और जब हमारे जीवन में दुख बढ़ता गया, तो हम भगवान की खोज करने लग गए। और धीरे धीरे सबसे पहले, जैसे यहाँ चित्र में भी दिखाया, उसमें भी हमने बताया कि सबसे पहले शिवलिंग की पूजा शुरू की, फिर श्री कृष्ण की शुरू की, ऐसे धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण के, फिर धीरे धीरे हर देवी देवताओं को पूजने लग गए। तो किसी ने उसको पूजा, किसी ने उसको पूजा, तो बहुत कुछ करने लग गए हैं। तब देखा गया हर किसी के मत में भी अंतर आ गया। सत्ययुग त्रेता युग में तो क्या था, एक ही मत था, एक ही राज्य था, हर कोई एक ही मत से चलते थे। परंतु जैसे ही द्वापर में हमने एंट्री किया, तो मत मतांतर होने लग गया, कि हर एक का मत अलग अलग होने लग गया। क्योंकि उस समय हमारे अंदर नेगेटिविटी की प्रवेशता हो गई थी और हम अपनी ही मूर्ति की पूजा करने लग गए। जैसे देखिए आज के समय पर हम धूमधाम करके दुर्गा पूजा मनाते हैं, इतना लाख लाख रुपया खर्च करते हैं और 4 दिन बाद उस मूर्ति को, जिसके पीछे इतने करोड़ों लगाया, इतने लाखों लगाया, उसी मूर्ति को जाकर एक हम पानी में ढकेल देते हैं, उसको डुबो देते हैं। तो क्या वो माँ जो देवी दुर्गा थी, वो क्या 4 दिन के लिए ही मेरी माँ थी और फिर 4 दिन के बाद उसका कोई मूल्य नहीं? तो देखिए, ये एक जैसे गुड़िया की खेल होती है, जैसे वो गुड़िया खेलते हैं ना, तो ऐसे वो खेल करने लग गए हम। तो उस खेल में हम इतना बिजी हो गए, हमने सोचा शायद इसी मूर्ति पूजा के माध्यम से भगवान हमसे संतुष्ट हो जाएगा और संतुष्ट होकर शायद हमारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे, शायद हमारे जीवन में फिर से सुख वापस आ जाएगा। परंतु सृष्टि का चक्र घूमते घूमते कहा वो सुख और भी दुख के तरफ ही हम धकेल दे गए। और धीरे 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 द्वापर युग के बाद जब हम कलयुग में एंट्री कर लिया, तब तो हमारी दुख की दशा और भी बढ़ती चली गई। और हम जितना जितना थे यहाँ पर, तो हमारी कला 8 कला थी, या हमारे हमारे जन्म भी बढ़ गए थे यहाँ पर। कल द्वापर युग में हमारे जन्म बढ़कर 21 जन्म हो गया और हमारी आयु भी कम हो गई थी, 100 वर्ष की आयु हो गई थी। कहा 150 वर्ष के थे, त्रेता में कहा 125 वर्ष आयु था और द्वापर में आकर हमारा आयु 100 वर्ष का हो गया था। और हमारे जन्म भी बढ़ते गए, 21 जन्म हो गया। और जब हमने कलयुग में एंट्री किया, तो हमारी और भी दुख की दशा बढ़ती गई और तब हमारा जो गुण विशेषताएं थे, हमारी कलाएं थे, वो 0 हो गया। कहा 16 था और धीरे गिरते 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 धीरे 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 हमारा एकदम ही 0 हो गया। और हम यहाँ पर और भी निराश होने लग गए
और भी दुखी होने लग गए। तब आज तक तो हम मूर्तियों की पूजा करते थे द्वापर युग में, परंतु कलयुग में एंट्री होते ही हम गाछ की पूजा करना शुरू कर दिया, मछली की पूजा करना शुरू कर दिया, हर पत्थर की पूजा करना शुरू कर दिया, जो मिला हर किसी में भगवान को ढूंढने लगा, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, तो भगवान को कण कण में कहने लगा, तो हर जगह भगवान को सर्वव्यापी कहकर ढूंढने लगा, पर कहीं भी भगवान का सत्य परिचय नहीं मिला। और हम इतना दुखी हो गए कि यज्ञ तप आदि उपवास आदि करके भी हम भगवान को सही रूप से नहीं जान पाए। तो ये कलयुग में हम इतना पतित हो गए, इतना डिस्चार्ज हो गए कि हमारे पास कुछ भी चार्ज नहीं रहा, और समाज में इतने खराब खराब बातें आने लगे, नारी अत्याचार, नारी के ऊपर बहुत बड़ी उलझन आ गई थी, और समाज में भी बहुत कटुता आने लगी, बहुत सारी बातें समाज में आने लगी जो हमने कभी शायद स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ऐसे दिन आ गए थे। तो इस समय जो मुनि ऋषि आदि है, साधु संत आदि है, उन्होंने बहुत धर्म सम्मेलन किया, शांति सम्मेलन किया, परंतु इससे भी इस पाप कार्य से दुनिया को रोक नहीं पाए, कितना भी कुछ किया, क्योंकि कलयुग में हम प्रवेश करते ही हमारा जन्म भी बढ़ गया, क्योंकि हमारा जन्म द्वापर युग में कहा 21 जन्म था, और कलयुग में एंट्री करते ही हमारा जन्म बढ़कर 42 जन्म हो गया, 42 जन्म हो गया, जन्म बढ़ गया, हम जन्म ज्यादा लेने लग गए, और हमारी आयु कोई निश्चित नहीं थी, इतने दिन तक तो निश्चित थी, परंतु कलयुग में एंट्री करते ही हमारी आयु अनलिमिटेड होने लगा, कि कोई 100 वर्ष भी बचता है तो कोई 50 वर्ष भी बचता है, कोई जन्म होते ही मर जाते हैं तो कोई 20 साल में भी मर जाते हैं, माना कोई जन्म का कोई आयु का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे करते 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 हम आगे चलते रहे, और जैसे हर एक दुख की पहाड़ हमारे ऊपर गिरने लगा, और हम इतना दुखी हो गए, इतना निराश हो गए, कहाँ कहाँ ना भगवान को ढूंढने लग गए। और जब कलयुग का भी एकदम चरम सीमा आ चुका था, जो हमसे और दुख सहन नहीं हो रहा था, हम त्राही त्राही करने लग गए थे, तो कलयुग के अंतिम समय में पहुंच गए, वो हमारी पुकार जो स्वयं परमात्मा ने सुना, हमारी पुकार सुनकर स्वयं परमात्मा इस धरा में अवतरित हुए, और अवतरित होकर ये जो दिखाया गया है कौन सा समय, वो कलयुग के लास्ट का समय जिसको संगम युग कहते हैं। ये संगम युग का जो समय है, ये संगम युग में ही स्वयं परमात्मा इस धरा पर आते हैं, पर काया प्रवेश कर वो हमें ये दिव्य ज्ञान देते हैं, और ये दिव्य ज्ञान में यही बताते हैं कि देखो, जिस परमात्मा को आज द्वापर युग से लेकर परमात्मा की खोज करते आए हो, जिसको न पाने के कारण, जिसको न जानने के कारण तुम आज इतने दुखी हो गए हो, आज वो इस धरा पर आ चुका है, वो खुद आकर बोल रहा है कि सुनो मेरी पुकार, सुनो मेरी पुकार, तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ, तुम मुझे जानो, मुझे यथार्थ प्रीति जानो, देखो तुम्हारे सारे दुख की दशा बदल जाएगी, तुम्हारे दुख की दशा बदल कर फिर से सुख की दशा आ जाएगी। तो इसी प्रकार स्वयं परमात्मा इस संगम युग पर आकर हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, और ये दिव्य ज्ञान देकर हमें फिर से उस सत्ययुगी दुनिया में वापस लेके जाने के लिए आया है, क्योंकि रात के बाद फिर से दिन आना है, और वो दिन में हम फिर से चले जाएंगे, और फिर से हमारी सुख की दुनिया हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। परंतु सुख की दुनिया में जाने के लिए हमें तैयार तो होना पड़ेगा, हमें रेडी तो होना पड़ेगा, जैसे कोई मंच तैयार है, परंतु जो मंच में एक्टिंग करने वाले एक्टर्स वो अगर तैयार नहीं है, उसने अगर अपना ड्रेसअप सही तरीके से ना पहना हो, अपने डायलॉग्स को सही तरीके से याद न किया हो, तो क्या वो मंच पर जा पाएंगे, एक्टिंग कर पाएंगे? नहीं ना।
तो वो मंच तो रेडी है, परंतु हमें रेडी होना पड़ेगा। तो बस हम फिर से अपने सुख की दुनिया में चले जाएंगे। यही तो नाटक है, यही इसी तरह ये नाटक चलता रहता है। हम ही वो देवी देवताएं थे और आज हम ही वो देवी देवता अपनी शक्तियों को खोकर अपने आप को भूल गए हैं और अपनी ही मूर्ति की पूजा हम खुद करते हैं। आप एक बार सोच के तो देखिए, जिस देवी दुर्गा की मंदिर में हम लाइन लगाकर उनके दर्शन करने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, जिस काली की मंदिर में हम उनको थोड़ा सा नमस्कार करने के लिए, थोड़ी सी उनकी झलक देखने के लिए हम इतना इंतजार करते हैं, वो देवी मैं खुद ही थी। जब मेरे अंदर वो शक्तियां थी तभी मैं देवी थी। इसीलिए ही दुर्गा को दुर्गा की 10 हाथ दिखाते हैं, माना दश भुजा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दश भुजा किसका है? वो 10 जो क्वालिटीज है, जो 10 क्वालिटीज अगर मेरे अंदर मैं ले आऊ, वो 10 गुण अगर मैं मेरे अंदर ले आऊ, तो मैं ही बन गई वो दुर्गा। तो ऐसा नहीं कि 10 हाथ वाला कोई दुर्गा होगा तो ही उसको दुर्गा कहेंगे, नहीं। सोचिए तो ये 2 हाथ लेकर चलना ही हमारे लिए कभी कभार मुश्किल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति का अगर 10 हाथ होगा तो वो कैसे चलेगा? तो एक्चुअल कोई 10 हाथ वाली देवी देवताएं नहीं थे, वो देवी देवताएं हम ही थे। और 10 हाथ क्यों दिखाया है? क्योंकि उनकी शक्तियों को भुजाओं में दिखा दिया है, क्योंकि उनके उनके अंदर जो शक्तियां थी, वो शक्तियां अगर हम अपने अंदर ले आए तो हम ही वो देवी देवताएं बन जाएंगे। तो यही है भारत की असली कहानी। जब सत्ययुग त्रेता इस दुनिया में था, इस भारत में था, तब ये भारत ही क्या था, भारत का उत्थान का समय था, स्वर्ग था। और जब भारत में द्वापर और कलयुग आ जाता है तभी भारत का पतन का समय होता है, जिसको नरक कहा जाता है। तो इसी प्रकार भारत की कहानी चलती रहती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, आप सिर्फ भारत के बारे में क्यों बोल रहे हैं, पूरे विश्व कहा गया? क्योंकि देखिए, जब इस दुनिया में स्वर्ग था, माना सत्ययुग और त्रेता युग था, उस समय पूरा विश्व ही भारत ही था। इसीलिए भारत को महान तीर्थ स्थान कहा जाता है, क्योंकि भारत सबसे पुराना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भारत ही था। धीरे 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 जितना युग आगे चलते गए, द्वापर युग आ गया, तब धीरे धीरे जैसे मनुष्य में मतभेद आने लग गया, अलग अलग मत आने लगा, तभी डिवाइडेशन होना शुरू हो गया। और तब से ही भारत से ही लोग भारत के स्थानों को ही छीन छीन कर लेके गए और वैरायटी देश में बदल गया, अलग अलग देश नाम दे दिया। ऐसे करके दूसरे दूसरे देश आने लग गए, परंतु पहले तो पूरा विश्व ही भारत था। इसलिए स्वयं परमात्मा आकर सिर्फ भारत के बात ही बताते हैं, क्योंकि दूसरे देश तो पहले आए, बाद में आया, सबसे पहला तो भारत ही था। तो इसी प्रकार इस भारत की उत्थान होती है और इसी प्रकार इस भारत का ही दुर्दशा बैठ जाता है, माना पतन घट जाता है। अभी फिर से हम भारत भूमि का उत्थान कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ही वो निमित्त बने भारत को फिर से अपनी जगह पर, अपने सिंहासन पर बिठाने के लिए। तो वो भारत ही स्वर्ग था, वो भारत ही, भारत को ही स्वर्ग बनाने के लिए हमें स्वर्ग में जाने का लायक बनना पड़ेगा। वही देवी देवताओं की क्वालिटीज हमारे अंदर धारण करनी पड़ेगी और तब ही हम बन जाएंगे देवी देवताएं। तो कैसे बनेंगे? हमारे अच्छे कर्मों से, क्योंकि अभी का जो संगम का समय चल रहा है, यही समय वो समय है जिसमें हम अच्छे कर्म करके पूरे कल्प के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। यही समय है वो अच्छा कर्म करने का। यही समय में हम बहुत अच्छे कर्म करके हमारा भविष्य सुंदर बना सकते हैं। तो आज हमने पूरे सृष्टि चक्र के बारे में भी जाना
और सीढ़ी के बारे में भी जाना, और इसमें 84 जन्म कैसे लेते हैं इसके बारे में भी देखिए। मैं आपको हिसाब बताती हूँ, जैसे इस चित्र में दिखाया है, सत्ययुग में हम 8 जन्म लेते हैं, त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते हैं, द्वापर युग में हम 21 जन्म लेते हैं, और कलयुग में हम 42 जन्म लेते हैं। तो टोटल कितना जन्म हुआ? अगर आप चार युग का जन्म का संख्या अगर आप टोटल करें तो 83 जन्म होता है। और बाकी और एक जन्म कौन सा है? जो संगम युग का जन्म है। जो संगम युग में हम जब परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा का हमें सही पता पड़ता है, तो हमारा एक दिव्य नया जन्म होता है। वही हमारा 84वां जन्म है। क्यों उसको जन्म कहा गया है? क्योंकि देखिए, जन्म माना ही क्या? अपने आप को जानना। जन्म माना ही अपने पिता को जानना। तो जब हम ज्ञान में आते हैं, जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है, तब हमें सबसे पहला जो ज्ञान मिलता है वो कौन सा है? मैं कौन। जैसे आप सभी ने भी स्टार्टिंग देखा कि इस कोर्स को जिस दिन से शुरू किया, सबसे पहला स्टेप्स कौन सा था? सबसे पहली बात हमें कौन सी पता चली थी? मैं कौन, मेरा अपना परिचय पता चला था। उसके बाद के दिन क्या पता चला था? मेरा पिता कौन, मेरा घर कौन सा है, ये पता चला था। तो क्या ये एक दिव्य जन्म हुआ या नहीं हुआ? तो इसी प्रकार हम अभी के समय को अगर कार्य में लगाए तो फिर से हमारा दशा बदल जाएगा, और राहु की दशा बदल कर फिर से हमारे जीवन में सुख की दशा आ जाएगी, और फिर से भारत का उत्थान हो जाएगा। इसी प्रकार ये सृष्टि का चक्र चल रहा है और फिर से वो चलेगा। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार कर ले। हमें बस याद करना है, अपने मन ही मन में दोहराना है कि हम ही वो देवी देवताएं थे। हमको लगता है कि मैं देवी देवता हूँ कहने से हमें आश्चर्यचकित लगता है कि क्या आज तक हम देवी देवताओं के चरणों में जाकर गिरे हुए थे? हम क्या बोलते थे कि हम नीच है, हम पापी है, आप हमें उद्धार करो। उन देवी देवताओं के आगे जाकर हम गाते थे, परंतु आज हमें पता चला वो देवी देवता और कोई नहीं, हम खुद ही तो है। तो क्यों ना अपने अंदर की जो विशेषताएं है वो है, बस जन्म लेते लेते उसके ऊपर लेयर्स पड़ते गए और हम अपने गुणों को भूल गए। तो क्यों ना फिर से अपने अंदर की शक्तियों को फिर से जागृत कर ले। क्यों ना हम जितना याद करेंगे कि मैं ही वो लक्ष्मी थी, मैं ही वो दुर्गा थी, मैं ही वो काली थी, मैं ही वो सरस्वती थी, अगर मैं अपने आप को बार बार याद दिलाऊं तो आप फिर से आपके अंदर की गुण जागृत हो जाएगी। और जब जागृत हो जाएगी, आप देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में वो गुण यूज होने लगेगा, वो दिखाई देगा आपके व्यवहार में, दिखाई देगा आपके विचारों में, दिखाई देगा आपके हाव भाव में, दिखाई देगा, और आप सचमुच फील करेंगे कि सच में वो देवी देवताएं और कोई नहीं, मैं ही तो थी। तो चलिए आज हम मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने उस समय को याद करें कि कैसे कैसे हम हर युग में थे और कैसे अभी यहाँ आकर पहुंचे, अभी हमें क्या सोचना है। चलिए अभी सेशन हमारा खत्म होने वाला है, अभी 5 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। एक्टिव होकर बैठ जाए, अपना संपूर्ण ध्यान 2 भ्रुकुटी के बीच में, अपने आप को देखें। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर से संपूर्ण अटैच, एकदम अलग, मैं परमात्मा की संतान। अपने आप को याद दिलाए, मैं ही हूँ
देवी देवताएं थी, जिन 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में गायन या पूजन होता है। आज तक जिन देवी देवताओं को हम पूजते आए हैं, वो देवी देवताएं और कोई नहीं, वो देवी देवताएं तो मैं ही हूँ। अपने गुरुओं को याद करें, मैं ही वो देवी जो हर विकार को पराजित करने वाली, वो महिषासुर मर्दिनी, वो दुर्गा, वो कोई एक असुर की बात नहीं, वो मेरे अंदर की जो बुराइयां है, जिस कमी कमजोरियों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, मैं वो देवी अपने अंदर की कमी कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली, मैं ही दुर्गा हूँ। मंदिरों मंदिरों में जिसकी पूजा हो रही है, भक्तों की लाइन लगी हुई है जिस मूर्ति को दर्शन करने के लिए, वो मूर्ति और किसी का नहीं, मेरा ही है, मैं ही वो देवी हूँ। आप को याद दिलाए, वो ही दुर्गा, वो ही सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, जिसके दिमाग में, जिसके बुद्धि में परमात्मा की ज्ञान सदा बैठी हुई है, इस सृष्टि चक्र की ज्ञान को जो जानता है, वही मैं देवी सरस्वती हूँ, जिसके पास स्वयं परमात्मा का यथार्थ परिचय है, वही मैं देवी सरस्वती हूँ, वही मैं देवी संतोषी हूँ, जो हर बात में संतुष्ट रहता, कोई भी बात की चाहना ना रखकर सिर्फ हर किसी को देता जाता, वही मैं, मेरे ही है। क्यों ना एक बार गहराई से सोच कर देखें, एक बार मन की आंखों से उसको विजुलाइज करके देखें, अपनी एक एक शक्तियों को अनुभव करके देखें, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। आज तक जिसकी पूजा करते आए हैं, जिस मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके हम अपनी मनोकामना को रखते आए हैं, वो देवी देवताएं और कोई नहीं, स्वयं परमात्मा ने बताया कि वो देवी स्वयं तुम हो। बस एक बार सोचने की बारी आ गई, एक बार सोच के तो देखो अपनी असली स्वरूप हमारे सामने। शांति।
आज जैसे हमने प्रैक्टिस किया कि कैसे हम सब युग में देवी देवताएं थे और कैसे हमारी शक्ति आज कम होने के कारण हम अपने आप को ही भूल गए हैं। अब फिर से अगर अपने आप को याद दिलाए, अपने आप से बातें करें तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसका प्रैक्टिस रेगुलर करिए। तो आज हम ये सेशन यही खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।